पहले रुख श्रीनगर का करते हैं, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर पीएजीएडी ने एक हंगामी मीटिंग तलब की है। शाम देर गए फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर मीटिंग तलब की गई है, जिसमें महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह, जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ दीगर इतिहाद के मेम्बरान भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर शाम देर गए पीपल्स अलायंस फॉर गुप्तकार डिक्लेरेशन की मेम्बरान की एक हंगामी मीटिंग तलब की गई है, जहां पर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह, जस्टिस हसनैन मसूदी और दीगर मेम्बरान भी शामिल थे। तमाम बताया जाता है कि हदबंदी कमीशन का जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल ही पीपल्स अलायंस फॉर गुप्तकार ने एक हंगामी मीटिंग तलब की है, जहां हदबंदी कमीशन 6 से 9 तारीख तक जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वहीं उससे कबल ही मुख्तलिफ सियासी जमातों को मधु किया गया है, तलब किया गया, उन्हें दावतनामे भी भेजे गए हैं, जहां पर अभी तक जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग में शामिल होने के हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया है, तमाम कोई भी फैसला नहीं किया गया। और माना जाता है कि आज की इस हंगामे मीटिंग में शायद इस पर फैसला लिया जा सकता था, ताम अभी तक इस हवाले से मीटिंग तो खत्म हुई है, इख्तिताम हुई है, शाम देर गई मीटिंग हुई है, हंगामी मीटिंग और मीटिंग इख्तिताम हुई। ये तस्वीरें फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह के बाहर, जहां पर सभी लीडर ने जो इतिहाद के मेम्बरान हैं उन्होंने इस मीटिंग में शमूलियत की है, और उसके बाद ही मीटिंग के बाद ही क्लोज डोर मीटिंग थी, जहां पर सभी इतिहाद के मेम्बरान मौजूद थे इस मीटिंग में। मीटिंग में महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हसनैन मसूदी और मुजफ्फर शाह मौजूद थे।